पश्चिम ओडिशार आउ एक चर्चित निर्वाचन मंडली हेउची ब्रजराजनगर विधानसभा क्षेत्र 2024 साधारण निर्वाचन पई तारीख एपर्यंत घोषणा होइना ही हेले एही विधानसभा क्षेत्र रे देखिबा को मिललानी निर्वाचनी हवा। तीन प्रमुख राजनैतिक दल निजर संगठन को सुदृढ़ करबे पई आरंभ कर देलेनी अंककोसा। राज्य राजनीति में आउ एक चर्चित विधानसभा क्षेत्र ब्रजराजनगर इठारे मोट भोटर संख्या 2,11,725 होता बेले पुरुष भोटर 1,08,167 एवं महिला भोटर 1,03,543। लखनपुर ब्लक झारसुगुड़ा ब्लक्र किसी अंश ब्रजराजनगर और बेलपहाड़ पौर परिषद को नहीं गठित यह आसन दीर्घ तीन दशंधि धरी वाम दल कब्जे थिला ब्रजराजनगर 1961, 1967, 1974, 85, 90 और 95 निर्वाचन में एठारु 6 थर विजयी होते सीपीआई नेता स्वर्गत प्रसन्न कुमार पंडा पर कांग्रेस हाथ को जाता यह सीट 2000-2009 पर्यंत क्रमगत 3 थर अनूप साय कांग्रेस विजयी होते तेज 2014 प्रथम थर पर ब्रजराजनगर में फुटी पद्म 2014 बीजेपी राधारानी पंडा निर्वाचित होते 2019 यही विधानसभा क्षेत्र को प्रथम थर पर निज कब्जा को नहीं शासक दल बीजेडी 2019 बीजेडी प्रार्थी किशोर महांति बीजेपी राधारानी पंडा को 11,999 खंड भोट्रे परास्त करते 2021 डिसेंबर 30 किशोर महांति मृत्यु पर 2022 होता उपनिर्वाचन स्वर्गत किशोर महांति पत्नी अलका महांति 66,000 अधिक भोट व्यवधान में कांग्रेस प्रार्थी किशोर पटेल को परास्त करते 2024 निर्वाचन पाखौथुबा बेले तीन प्रमुख दल बीजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस पक्षर प्रस्तुति आरंभ हो जाए विधायिका अलका महांति पुणे लड़ा नहीं आशावादी थी बेले बूथ स्तर में लोकसंपर्क आरंभ कर बीजेडी अन्य टिकेट आशायी होती ब्रजराजनगर पौर परिषद पूर्वतन उपनगरपाल जयंत दीक्षित सेटा आमर माननीय मुख्यमंत्री निष्पत्ति तो मुझे कहबी किंतु निश्चित भाव आम जो आम ब्रजराजनगर अच्छा लोक मैंने जनसाधारण अच्छा से मैंने बहुत ही निरीह बहुत शांत से मैंने निश्चित भाव कह गर बीजेडी सरकार उपर ही भरोसा रखती एवं भी ब्रजराजनगर लोक मैंने निश्चित भाव से विजु जनता दल को भोट देवे जहाँ आगामी दिन में भोट व्यवधान थिला एबे मध्य से व्यवधान निश्चित भाव बजाय रहिबो एही माटीर मु मणीष माटी प्रति मोर काम करिवार इच्छा शक्ति अछि जदि पार्टी निर्देश दिए जदि माननीय मुख्यमंत्री आशीर्वाद रहे ताहले कोनसे आमे काम करिया पे प्रस्तुत अछु। 2019 निर्वाचन रे द्वितीय स्थान रे रहितला बीजेपी 2019 रे बीजेपी प्रार्थी 68,153 खंड भोट पाइबा बेले 2022 उपनिर्वाचन में बीजेपी तृतीय स्थान को खसी आसी पाई मात्र 22,630 खंड भोट एथर बीजेपी रो टिकेट रेस रे विश्वजित षडंगी और राधेश्याम प्रधान अछंती कांग्रेस पार्टी 2019 रे वामदल सह मेंट करी निर्वाचन लड़ी परास्त होता बेले उपनिर्वाचन में कांग्रेस प्रार्थी किशोर पटेल 37,831 खंड भोट सहित द्वितीय स्थान में रही तेज 2024 रे कांग्रेस पुणि थे किशोर पटेल को लड़ाइब ना नुआ चेहरा उद्भावित करद्वंद रही कांग्रेस जिला सभापति सियाराम दास दल भल प्रदर्शन नहीं आशावादी थी बेले सुब्रत प्रधान कांग्रेस टिकेट रेस अच्छा समस्त कर्मी आसे ये मुँह भी आसे जदि भारतीय जनता पार्टी दल मत जदि मोर उपर विश्वास करे निश्चित रूप में आगामी निर्वाचन में निजर सर्वस्व मु पार्टी पे आउ अंचल पे देदेवी पार्टी जो काम अच्छे नरेंद्र मोदी जो विकासमूलक योजना गुड़ा अच्छे आपको जाइए लोक पहुँचवार काम करुँ आगामी दिन जब दल निष्पत्ति करे तो निश्चित भाव में देखा बर्तमान तो कांग्रेस गोटे जातीय दल कांग्रेस पीसीसी अच्छी एआईसीसी अच्छी निष्पत्ति उपर आम गोटे गोटे कर्मी आम बर्तमान कांग्रेस को संगठन करें व्यस्त समय अच्छी निर्वाचन जहाँ देखा निश्चित भाव आगामी 2024 जेको समय भी जो निर्वाचन हुए आम संपूर्ण भाव प्रस्तुत अच्छा और प्रस्तुति जारी अच्छे और निश्चित भाव 2024 ब्रजराजनगर आम विजय कर समीक्षकों मत आगामी निर्वाचन में ब्रजराजनगर में होपे त्रिमुखी लड़ी एपटे भोटर कहवा कथा जितिय राजपथ 49 को 4 लेन करवा ई ब्रिज उपरे द्वितीय सेतु निर्माण एवं प्रदूषण भाई बड़ प्रसंग रही सहित स्थानीय प्रार्थी को दिजाव गुरुत्व ब्रजराजनगर विधानसभा क्षेत्र में विजु जनता दल बीजेपी एवं कांग्रेस मध्य त्रिमुखी लड़े हेटा निश्चित एवं अपर हैंड निश्चित भाव में ये विजु जनता दल रोकेल कैंडिडेट तार मैंने
ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମର ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ତାର ପୁରାପୁରି ଆମେ ବିରୋଧ କରତେ ଲାଗୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେବାର କଥା NH-49 ଯଦି 4-lane ନି ହେଲା କି 6-lane ନି ହେଲା ବହୁତ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ 2 ବ୍ରିଜ୍ ଇତର ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ଜାମ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେକେ ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରହିଗଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ 2024 କିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ 6-6 ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଆସନଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଆସନରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ହେବ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ନା ହାତ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହା ତ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।